बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हियर आई एम सना चौधरी एंड आई विल टीच यू टुडे द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर द पीएच स्केल। So students, up to now we have studied so many concepts about acids and bases, and from today we will study self-ionization of water. Self-ionization of water क्या चीज़ है? What self का मतलब है खुद ही, ionization ionize हो जाना, water का खुद ही ionize हो जाना। इसको understand करने से पहले कुछ बातें हम understand कर लेते हैं। Water molecules highly polar होते हैं, polar और non-polar के बारे में also you have studied in class 9 के जिनमें पोल्स बने होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं, वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं। प्लस उनमें जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व भी कर लेते हैं। सो इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब वो कोलाइड करते हैं आपस में तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली करते हैं, इतना एनर्जेटिकली भी करते हैं कि वो एक दूसरे को प्रोटॉन भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन नज़र आ रहा है, सिंपल दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, जब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिले आपस में, इन्होंने कोलिजन की बहुत एनर्जेटिकली की, तो क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल से दूसरे में हाइड्रोजन एटम ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब इससे इस एटम में भी ट्रांसफ़र हो सकता था और इससे इसमें भी हो सकता है। जब ट्रांसफ़र हो गया तो ये जिसको ट्रांसफ़र हुआ वहाँ एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, तो ये क्या बन गया, H2O से H3O बन गया, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। चूँकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन सेपरेट हो गया। इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल थे, एक ने दूसरे को हाइड्रोजन डोनेट किया, हाइड्रोनियम बन गया और हाइड्रोक्सिल एज इट इज आ जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल खुद ही आयन प्रोड्यूस कर दें उसको हम कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इसके अलावा वाटर की एक और प्रॉपर्टी है, सिंपली बिल्कुल सिंपल आयनाइजेशन इसकी क्या होगी कि ये अपने ही मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट अप कर देगा, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के आयन को स्प्लिट अप कर दे, तो ये भी सेल्फ आयनाइजेशन है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी सेल्फ आयनाइजेशन जो है वाटर की वो बहुत ही वीक होती है, बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में होती है, जो इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की, प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी है वो वीक है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन आर एज फॉलोज। आपको पता है किसी भी सोल्यूशन या किसी भी चीज़ में जब हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएँ वैसे वैसे उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अब जब वाटर को एक्सपेरिमेंटली 25 डिग्री पर देखा गया तो ये देखा गया कि उसमें जब वो सेल्फ आयनाइज हुए तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की एक जैसी मिकदार थी, यानी 10^7 मोल्स। ठीक है, अब जब इक्विलिब्रियम पे आपने याद रखना है टेम्परेचर फिक्स है यहाँ पर 10^7 मोल्स हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन सेम थे उस टाइम। अगर हम इसी रिएक्शन के लिए, ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला, इसके लिए सिंपल आयनाइजेशन रिएक्शन के लिए अगर हम कांस्टेंट लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, और डिनोमिनेटर में सिंपल वाटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या, हम पहले ही कह चुके हैं कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें कंसंट्रेशन जो है वाटर की वो कांस्टेंट रहेगी, यानी H2O जो है वो चेंज नहीं उसकी उसके मॉलिक्यूल्स हो रहे, उसकी कंसंट्रेशन में, उसकी मिकदार में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, इसलिए हमने उसको एज ए कांस्टेंट समझ के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था और दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी साइड पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एज इट इज़ रहेंगे। अब ये जो पूरी चीज़ है ना, KC into H2O, इस पूरे को हम कह देंगे KW, यानी KW का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, और ये किसके इक्वल है, पॉजिटिव आयंस प्लस नेगेटिव आयंस के इक्वल। ठीक है, वी आर KW इज कॉल आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, एंड अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको हम आयनाइजेशन प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट है यहाँ पर। ठीक है, इसकी वैल्यू आप पहले पढ़ चुके हैं कि 25 डिग्री पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन 10^7 मोल्स होते हैं, जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10^14 उसकी वैल्यू आ गई। ठीक
ठीक है, इन प्योर वाटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आइंस आर इक्वल, जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है जिसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, उसमें भी इन दोनों की जो मिकदार है वो बिल्कुल सेम होती है, यानी अगर टेम्परेचर को नेगेटिव कर दिया जाए तो ये भी 10^-7 हो जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब इसी चीज़ से हम आगे कुछ और चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, वो चीज़ें क्या हैं। यहीं से आपका पीएच स्केल का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पीएच क्या चीज़ है, पीएच स्केल क्या है। 1909 में एक बायोकेमिस्ट था सोरेनसन, उसने ये प्रपोज किया था पीएच स्केल, और उसका कहना क्या था, पीएच इज़ डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इन एक्वस सोल्यूशंस। सिंपल उसने ये कहा कि एक्वस सोल्यूशन पानी का या उससे रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन जो होगा उसमें हाइड्रोजन आयन का अगर हम नेगेटिव लॉगरिथम ले लें तो वो हमारा पीएच आ जाएगा। ठीक है, पीएच एक ऐसा फैक्टर है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ किसी किस्म की प्रॉपर्टी रखती है, क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो एसिडिक है या वो बेसिक है, वो हमें पता चलता है उसकी पीएच वैल्यू से। ठीक है, और पीएच वैल्यू आती है नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन लेने से। अब जब हम वाटर का लेंगे, अब हम जानना चाहते हैं कि भाई वाटर का क्या पीएच है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वही हाइड्रोजन आयन जो उसके हमने पहले ऑब्जर्व किए थे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन 10^7 मोल्स थे, कहाँ पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब हम इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, यू कैन टेक ऑन कैलकुलेटर, आंसर विल बी 7, सो पीएच ऑफ वाटर विल बी 7। ठीक है, ऑल एक्वा सॉल्यूशंस विद पीएच इक्वल टू 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर न्यूट्रल। जिस किसी भी सॉल्यूशन की, जिस चीज़ का भी पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी ना वो एसिडिक करेक्टर होगा ना उसका बेसिक करेक्टर होगा, वो बिल्कुल न्यूट्रल सा सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर किसी चीज़ की वैल्यू, किसी चीज़ की पीएच की वैल्यू लेस देन 7 हो तो वो एसिडिक बन जाएगा, ग्रेटर देन 7 हो तो वो बेसिक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइड पे टेबल पर आपको कुछ पीएच रेंजेस दी गई हैं डिफरेंट ईटेबल्स की, तो इससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ में एसिडिक करेक्टर पाया जाता है और कौन सी चीज़ में बेसिक करेक्टर पाया जाता है। 5.5 से 7.8 मीन्स ये कुछ बेसिक करेक्टर ही है। इसी तरह ब्रॉड बीन का, कैरेट का 7.5 मतलब 7 से अबव जा रहा है, तो कुछ इसमें एसिडिक करेक्टर भी पाया जाता है। दोबारा इस टॉपिक पर आ जाते हैं, पीएच वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि किसी भी चीज़ का की प्रॉपर्टी क्या है, वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अगर पीएच वैल्यू 7 होगी इट मींस दैट इज़ न्यूट्रल, अगर पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो इट मींस दैट इज़ एसिडिक, और पीएच वैल्यू लेस देन 7 है इट मींस इट इज़ बेसिक। ठीक है, अगर लेस देन 7 है तो सीधी सी बात है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की मिकदार ज़्यादा है और OH की मिकदार कम है। ठीक है, इसी तरह से अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो सॉल्यूशन बेसिक है, इसका मतलब है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा है और हाइड्रोजन आयन्स की मिकदार कम है, तो इस तरह से हम इसको कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ के डब्ल्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। आपको पहले बता चुकी हूँ कि 25 डिग्री पे हमने सब कुछ ऑब्जर्व किया, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, इन एनी एक्वा सॉल्यूशन इन 25 डिग्री नो मैटर व्हाट डज इट कंटेन द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, उसकी हमेशा मिकदार क्या रहेगी, 10^-14, जो हमने पहले निकाली है के डब्ल्यू की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस, अगर हाइड्रोजन यानी हमने क्या किया था, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तब हमारे पास 10^-14 आ गया था। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन इंक्रीज कर जाए हाइड्रोक्सिल से तो उसका ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी या 10^-14 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक्चुअली अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रहे हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन को कम होना पड़ेगा, हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हो रहे हैं तो हाइड्रोजन कम होंगे ताकि प्रोडक्ट सेम रहे। ठीक है, अगर यहीं से हमने कंपैरिजन किया कि अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन सेम है तो वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 10^7 मोल्स और सॉल्यूशन क्या होगा, बिल्कुल न्यूट्रल होगा। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है इसका मतलब है कि जो हमारे पास के डब्ल्यू की वैल्यू है वह 10^-7 से ज़्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर इससे हाइड्रोजन आयन की वैल्यू 10^-7 से कम है, इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक है। तो हमारे पास पैरामीटर क्या है, हाइड्रोजन आयन हमारे पास पैरामीटर है। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल आपको गिवन है जो कि पीएच स्केल से रिलेटेड